तुम समझ नहीं रही हो नवाल, वो तुम्हें मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है। ओ साथिया, तूने धोखा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ। बैक टू बैक मीटिंग्स थी मेरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से निकल के आई। तुम मुझे क्या शो कराना चाह रही कि तुम बहुत बिजी हो, मुझे ऑफिस में कोई काम नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी मतलब, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट क्या मिल गया? अब तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। देखो, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाह रही थी। बिजनेस में ये होता रहता है। मैं जानती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट था जो कि अब तुम्हारी वजह से उसे मिल गया। तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम शिराजी के ऑफिस में काम करती हो? मैं तुम्हें बताया था कि मैं मल्टीनेशनल में काम कर रही हूँ, अच्छा पैकेज है। और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस छोड़कर मैंने किसी न किसी कंपनी को तो ज्वाइन करना था ना। शिराजी, अगर तुमने उसका नाम लिया होता ना, मैं तुम्हें कभी ज्वाइन नहीं करने देता। वो मेरा कंपेटिटर, मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देता। तुमने उसे ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। देखो, तुम गलत सोच रहे हो, या तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि आज तक मैंने शिराजी साहब से या किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। तो ये तुम सब कैसे कह सकते हो? इतनी स्टूपिड हो सकती हो? मैं सोच भी नहीं सकता था तुम आज ही जॉब से रिजाइन करे। क्या क्या कहा तुमने? एक महीने बाद हमारी शादी है, फिर भी रिजाइन तो करना ही था ना। आज कर दो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी शादी के बाद मैं जॉब करने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। ये मेरा करियर है, मैंने बहुत मुश्किलों से बनाया है, तो मुझे रिजाइन करने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैंने बहुत मेहनत किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और किसी की गलत फहमी की वजह से मैं इसे ज़ाया नहीं करूँ। क्या तुम तीसरे आदमी के लिए हमारे रिश्ते को ख़राब करोगे? तुम्हें सोचना पड़ेगा इस बारे में। तुम मेरी कामयाबी से जेलिस हो रहे हो? तुम्हें सिर्फ इसीलिए बुरा लग रहा है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें नहीं हमें मिला है। क्या कहा तुमने? मैं जेलिस होऊंगा तुमसे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो नवाल? तुम्हें लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर बस तुम्हारा हक था? ऐसा नहीं है हमजा, वो तो कोई भी हासिल कर सकता है। देखो, मेरा बिजनेस पूरे मुल्क में फैला हुआ, तुम एक मामूली सी नौकरी करी और फिर तुम एक मामूली सी नौकरी करने वाली लड़की को रिजाइन करने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? तुम समझ नहीं रही हो नवाल, वो तुम्हें मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि तुम किसी बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार हो और कुछ भी नहीं है। देखो, तुम आज ही उस ऑफिस से रिजाइन कर रही हो, दैट्स इट, ये मेरा आखिरी फैसला। I am sorry, Hamza. मैं रिजाइन नहीं करूंगी।